हेलो एंड वेलकम टू पाइथन फॉर ट्रेडिंग। ये हमारी सीरीज़ का सेवेंथ पार्ट है। अगर आप इस सीरीज़ को पहले से देखना चाहते हैं तो हमने आपके लिए प्लेलिस्ट बना रखी है। आज का टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट है ट्रेडिंग परस्पेक्टिव से कि हम डाटा को कैसे स्टोर करते हैं। हमने देखा था कि कंटेनर्स हम यूज़ करते हैं, वेरिएबल्स जिसमें हम डाटा स्टोर करते हैं, लेकिन कितने टाइप के कंटेनर्स हमारे लिए है, डाटा स्ट्रक्चर्स हमें क्या क्या है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है कि हम किस तरीके से डाटा स्टोर करते हैं जिससे हमें इफ़िशियंटली वो डाटा रिट्रीव करते आना चाहिए। आज हम इसके बारे में काफ़ी चीज़ें देखेंगे। एंड अगर आपको आप यहाँ तक पहुँच गए तो आप खुद को कॉन्ग्रेचुलेट कीजिए कि आप यहाँ तक पहुँच गए हैं। काफ़ी डेडिकेशन लगता है किसी सीरीज़ को कंटिन्यू रखने के लिए। तो ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं हमारी लर्निंग्स पे। लर्निंग्स पे जाने से पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि हमारा YouTube का चैनल है जिस पे हमने आपके लिए पाइथन फॉर ट्रेडिंग सीरीज बना रखी है। अगर आप पहली बार यहाँ पे आ रहे हैं तो आप ये सीरीज पे क्लिक करके आपको प्रीवियसली हमारे सीरीज के पार्ट्स देख सकते हैं, जिससे कि आपको अच्छी अंडरस्टैंडिंग आएगी। और ये सीरीज सभी के लिए, बिगिनर टू एडवांस सभी के लिए, ये सब देख सकते हैं। कोडिंग आना इसका प्री रिक्विजिट कुछ नहीं है। अगर आपको कोई ऑप्शन लर्निंग करना है, ऑप्शन के बारे में सीखना है, तो उसके लिए भी हमने एक सीरीज़ बनाई है। एंड हमने स्ट्रेटेजीज के लिए भी एक सीरीज़ बनाई है। बेसिकली ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज हमने इस में कवर किया है। तो हम बिना किसी देर के चलते हैं हमारे लर्निंग्स पे। तो आज का हमारा ट्यूटोरियल डाटा स्ट्रक्चर्स पे है। डाटा स्ट्रक्चर्स में हमने स्ट्रिंग ऑलरेडी देख लिया कि स्ट्रिंग क्या होते हैं, लेकिन हमें उसे अभी डिटेल में देखना है, क्योंकि स्ट्रिंग ऑपरेशन हम काफ़ी हद तक परफॉर्म करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे लिस्ट्स क्या होती है, टपल्स क्या होते हैं, सेट्स क्या होते हैं, डिक्शनरी क्या होती है। ठीक है, ये सारे हम डाटा स्ट्रक्चर्स देखेंगे एंड इनका यूज़ क्या है, हम इन्हें क्यों यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं स्ट्रिंग्स पे। स्ट्रिंग्स मतलब अल्फाबेटिकल, ऐसे जो भी डबल इन्वर्टेड कॉमा या सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में जो हम वेरिएबल डिफाइन करते हैं, या फिर नेम, जो भी हम वेरिएबल डिफाइन करते हैं उसे हम स्ट्रिंग कहते हैं। ठीक है, ये हो गए स्ट्रिंग हमारी। ठीक है, इतना हमने देख लिया था। अभी हम इसमें कुछ डिटेल्स देखते हैं जल्दी से। अगर मैं कोई स्ट्रिंग डिफाइन करूं तो उसे मैं ऐसे करूंगा कि माय स्ट्रिंग, कुछ भी आप यहाँ पे नाम दे सकते हैं, ये कंटेनर का आइडेंटिफायर है, जो कि आप कुछ भी नाम दे सकते हैं। आप नेम दे सकते हैं, माई स्ट्रिंग दे सकते हैं। ठीक है, बस उसका नाम नंबर से ना शुरू हो, ये ध्यान रखिएगा। तो आपका माई स्ट्रिंग वेरिएबल है, उसको आपको स्ट्रिंग रखना है, तो एक सिंगल इन्वर्टेड कॉमा या डबल इन्वर्टेड कॉमा के बीच में आप कुछ भी लिख दीजिए। हेलो, दिस इज अ SAMPLE सैम्पल स्ट्रिंग। ठीक है, इसे मैं एग्जीक्यूट करता हूँ। ठीक है, अभी माई स्ट्रिंग सेट हो गई है। अगर मैं देखूँ, मैं प्रिंट करूँ माई स्ट्रिंग, यहाँ पे मैं देखिए स्क्वेयर ब्रैकेट देके एक जीरो देता हूँ और इसे एंटर दबाता, तो मुझे आया एच। तो ये बात आप ध्यान से समझिए कि कोई भी स्ट्रिंग होती है ना, वो एक साथ अरे में स्टोर होती है। एक अरे जो होता है ना, वो हमारे डाटा स्ट्रक्चर, ये लिस्ट में हम उसे देखेंगे। तो कैरेक्टर्स का अरे है, मतलब एच ई एल एल ओ स्पेस दिस टी एच आई एस, ये सब चीज़ें मिलके ये स्ट्रिंग बनाती है। तो ये एक एक कंटेनर में स्टोर होता है, तो इसे हम देखेंगे। तो ये हमारा स्ट्रिंग के जीरोथ पोजीशन पे है। सिमिलरली ई वन, ये पहला एल टू, दूसरा एल थ्री पोजीशन पे है, ओ हमारा फोर्थ पोजीशन में, और देखिए ये स्पेस जो है ना, ये भी एक जगह खाती है, तो ये हमारी फिफ्थ पोजीशन है। हमारा टी हो गया सिक्स्थ पोजीशन। सिमिलरली ऐसे ऐसे करके ये, तो हमारी लेंथ ऑफ स्ट्रिंग क्या होती है, ये कितनी जगह ले रहा है, ए 0 1 2 3 4 5 कितनी जगह ले रहा है। तो हम अगर देखेंगे इसे अच्छे से, तो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग हमें फाइंड करनी होगी
लेंथ ऑफ माय स्ट्रिंग, तो हमें मिल रहा है 29, तो ये 29 स्पेसेस खा रहा है ये स्ट्रिंग। तो अगर मैं देखू माय स्ट्रिंग 28 पे मुझे जी मिलना चाहिए, क्योंकि जीरो से हम स्टार्ट कर रहे हैं और 29 स्पेसेस है हमारे पास, लेंथ है हमारी 29, तो हमारा लास्ट वर्ड होगा 28, तो हमें इसका आउटपुट जी मिलना चाहिए। तो ये भी देख लेते हैं, तो हाँ मेरे को जी मिल रहा है आउटपुट। तो इस तरीके से हमारा स्ट्रिंग होता है। ये कुछ चीजें हम और देखेंगे, स्ट्रिंग स्लाइसिंग के बारे में देखेंगे अभी हम। स्ट्रिंग स्लाइसिंग में क्या होता है कि अगर मुझे स्ट्रिंग की किसी फिफ्थ, समझिए फिफ्थ से लेके एट्थ जगह का, फिफ्थ एट्थ नहीं इलेवेंथ, इलेवेंथ प्लेस तक मुझे स्ट्रिंग चाहिए। तो अगर मैं ऐसे करूं प्रिंट माय स्ट्रिंग फिफ्थ से ले, कोलन देंगे फिफ्थ से लेके मुझे इलेवेंथ प्लेस तक, इलेवेंथ प्लेस नहीं आएगी, टेंथ प्लेस आएगी, क्योंकि हमेशा ये प्लेस एक्सक्लूड होती है। ठीक है, ये ऐसा होता है इंक्लूसिव ऑन लोअर साइड एंड एक्सक्लूसिव ऑन हायर साइड। ठीक है, तो इसे अगर मैं प्रिंट करूंगा तो फिफ्थ हमारा प्लेस क्या है, 0 1 2 3 4, फिफ्थ हमारा स्पेस है, तो हमारा आउटपुट होना चाहिए स्पेस सिक्स ये है, सेवेंथ ये है, एट्थ ये है, नाइन्थ ये है, टेंथ ये है, टेंथ भी हमारा स्पेस है। ठीक है, तो स्पेस THIS स्पेस ये प्रिंट होके आना चाहिए। तो इसी अगर मैं एग्जीक्यूट करूंगा तो हाँ जी, ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पहले स्पेस प्रिंट हुआ है और ये धिस प्रिंट हुआ है। अगर मैं इसको 12 करूँ तो 11th प्लेस पे हमारा आई है, वो भी प्रिंट हो जाएगा शायद। ठीक है, ठीक है, तो इसे हम स्ट्रिंग स्लाइसिंग कहेंगे कि हम किसी बीच का कोई भी स्लाइस से प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, अगर मैं एक और चीज, अगर मैं डायरेक्ट, मुझे पता नहीं है स्ट्रिंग कितनी बड़ी है, लेकिन मुझे स्ट्रिंग का एंड देखना है, एंड का वर्ड देखना है। ठीक है, तो मैं उसे कैसे करता हूँ आप इसे ध्यान से देखिए, प्रिंट माय स्ट्रिंग, इसे मैं लिखूंगा -1 उल्टे से देखो अभी, तो यहाँ पे मुझे जी मिल गया। अगर मैं प्रिंट माय स्ट्रिंग -2 करूँ तो मुझे सेकेंड, पीछे से सेकेंड वर्ड मिल गया। अगर मैं ऐसे करूँ प्रिंट माय स्ट्रिंग 5 से लेके -1, सो -1 इंक्लूड एक्सक्लूड हो जाएगा, हमारा जी एक्सक्लूड हो जाएगा और यहाँ पे एन तक करेंगे। अगर मैं सिर्फ 5 और कोलन कुछ नहीं देता तो हमारा जी भी प्रिंट हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे कुछ नहीं देता हूँ, इसका मतलब यह है कि मैं एंड तक जाना चाहता हूँ। अगर मैं स्टार्टिंग में कुछ ना दे दू और ये 5 यहाँ पे कर दू, सॉरी 5 यहाँ पे कर दू कोलन के, तो मुझे सिर्फ हेलो मिलेगा। पहले स्टार्टिंग से स्टार्ट करूंगा और फिफ्थ पे मैं एंड कर दूंगा। तो ये मैं दोनों अलग अलग कर देता हूँ। ठीक है, तो ये हमारा स्ट्रिंग पे कुछ ऑपरेशंस मेथड्स हो गए, ये स्लाइसिंग हो गया, और हम और कुछ मेथड देखेंगे माय स्ट्रिंग। अगर आपको इस पे क्या क्या मेथड्स हम यूज कर सकते हैं, स्ट्रिंग को कैसे मैनिपुलेट कर सकते हैं वो देखना है, तो आप बस इसे डॉट डालिए और टैब दबाइए, तो आपको बहुत सारी मेथड दिखेगी कि हम कैपिटलाइज कर सकते हैं, एनकोड कर सकते हैं, एंड्स विथ कर सकते हैं, जनरली बूलियन ऑपरेटर भी है यहाँ पे, इस डिजिट इस डेसिमल ये सब बूलियंस है। ठीक है, रिमूव प्रीफिक्स रिमूव सफिक्स बहुत कुछ है यहाँ पे, टाइटल। मैं चाहता हूँ ये आप खुद एक्सप्लोर कीजिए कि आपको अगर कुछ किसी चीज को देखना है तो आप उसे कीजिए और उसे कैपिटलाइज कीजिए एंड उसे यहाँ पे जाके शिफ्ट दबा के टैब दबाइए, तो आपको इसमें ये कैपिटलाइज क्या करता है स्ट्रिंग के साथ वो उसका इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। रन अ कैपिटल वर्जन ऑफ द स्ट्रिंग, तो अगर मैं इसको ऐसे करूं प्रिंट
ये ओके, तो शायद यहाँ पे कुछ गड़बड़ हुई है। यहाँ पे मैं माय स्ट्रिंग टू करूंगा इक्वल टू माय स्ट्रिंग डॉट कैपिटलाइज, सॉरी माय स्ट्रिंग डॉट कैपिटलाइज प्रिंट माय स्ट्रिंग टू तो मैं आपको वो मेथड बता रहा था इसको माई स्ट्रिंग डॉट, ये देखिए तो कैपिटलाइज हमारा क्या करता है, फर्स्ट वर्ड को ही कैपिटल कर देता है, ठीक है। तो इसका होगा टाइटल, अगर मैं हर एक इसको वर्ड को कैपिटल करना चाहूँ, हेलो हमारा ओरिजिनल है हेलो दिस इज अ सैम्पल स्ट्रिंग, तो हमारा एच कैपिटल होगा, टी कैपिटल होगा, आई कैपिटल होगा, ए कैपिटल होगा, एस कैपिटल होगा, ये एस कैपिटल होगा अगर मैं टाइटल यूज करता हूँ तो, ठीक है। तो इसको मैं आपको करके दिखाता हूं, प्रिंट ये। सो जैसा कि आप देख सकते हैं एच टी आई ए एस और एस, ये दोनों से सब कैपिटल हो गए। सिमिलरली और भी बहुत सारे फंक्शंस है हमारे पास, मैं प्रिंट करूंगा माय स्ट्रिंग डॉट अपर, तो मेरा सारे वर्ड्स कैपिटल हो गए, ठीक है। अगर सिमिलरली मैं प्रिंट माय स्ट्रिंग डॉट लोअर, और देखिए ये दो ब्रैकेट्स डालना बहुत जरूरी क्योंकि हम इसको कॉल कर रहे हैं फंक्शन को, ठीक है। तो ये सारी चीजें स्मॉल केस में आ गई, लेकिन अब ये अगर मैं सिर्फ माय स्ट्रिंग प्रिंट करूँ तो हमें ओरिजिनल स्ट्रिंग मिलेगी, जो ये हमारी ओरिजिनल स्ट्रिंग थी। अगर आपको ओरिजिनल स्ट्रिंग में चेंज करना है तो आपको माय स्ट्रिंग इक्वल टू माई स्ट्रिंग डॉट अपर, समझे मुझे सारे वर्ड्स कैपिटल करने हैं तो करना पड़ेगा। अभी मैं माई स्ट्रिंग प्रिंट करूं तो मुझे पूरे सारे चेंजेस मिल जाएंगे मुझे, ठीक है। ये बात हुई हमारी कि इस पे कौन से मेथड्स है। मैं चाहूंगा कि आप जो स्ट्रिंग पे मेथड्स है ना वो आप खुद से एक्सप्लोर कीजिए, डॉट लगाइए, टैप कीजिए, ये सारे मेथड्स करने की आपको जरूरत नहीं है, मैंने जितने बताए उतने आपके लिए सफिशियंट रहेंगे। ये स्ट्रिप मेथड भी मैं आपको एक बता देता हूँ, ठीक है। अगर मैं माई स्ट्रिंग को वापस से चेंज कर दूँ, माई स्ट्रिंग इज इक्वल टू स्पेस 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 हेलो माई नेम इज, ठीक है। तो अगर मैं प्रिंट प्रिंट माई स्ट्रिंग करता हूं तो मुझे देखिए ये स्पेसेस आ रही है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, माई स्ट्रिंग डॉट इक्वल्स टू माई स्ट्रिंग डॉट टैब दबाऊंगा। अब देखिए क्या क्या मुझे मिलता है, मुझे पता है कि मुझे क्या यूज करना है, लेकिन आप इसको देख सकते हैं। यहाँ पे मैं स्ट्राइप लूंगा एंड मुझे ये स्ट्राइप करता क्या है वो देखना है, तो मैं शिफ्ट दबा के टैब दबाऊंगा, ठीक है। तो लीडिंग एंड ट्रेलिंग व्हाइट स्पेसेस रिमूव, हमारे इसमें क्या प्रॉब्लम है, स्टार्टिंग में बहुत सारे स्पेसेस है। तो अगर मैं इसको सेव करता हूँ एंड वापस से मैं माई स्ट्रिंग प्रिंट करता हूँ तो मुझे वो स्पेसेस हटा के मिल जाएंगे, है ना। अभी मैं आपको एक और चीज बताऊंगा, स्प्लिट क्या होता है, माई स्ट्रिंग वर्ड्स इक्वल टू माई स्ट्रिंग डॉट स्प्लिट, मैं स्पेस ऐसे दो इन्वर्टेड कॉमा डाल के स्पेस डाल रहा हूँ, ठीक है। अभी मैं इसमें करूंगा प्रिंट माय स्ट्रिंग, सॉरी माय स्ट्रिंग वर्ड्स, ठीक है। तो मेरे स्ट्रिंग में क्या क्या वर्ड्स है, हेलो माय नेम इज और पर, ये हमारे वर्ड्स हैं। तो स्प्लिट में मैंने क्या किया, स्पेस, ये जो हमारी स्ट्रिंग है ना इसको आप स्पेस से स्प्लिट कर दो, स्पेस स्पेस जितना जितना बार देखेंगे तो आपका वर्ड
बदल गया। अगर मैं मेरी स्ट्रिंग ऐसे लिखते हूँ, स्ट्रिंग इज इक्वल टू हेलो आई एम पार मेकिंग दिस वीडियो फॉर, ठीक है, फॉर यू, ठीक है, मुझे इसको डबल इन्वर्टेड कॉमा में डालना पड़ेगा क्योंकि ये एक स्ट्रिंग है हमारी, ठीक है ना। ओके ठीक है, मैं इस पे थोड़ा और ऐड कर देता हूँ। सो अगर मैं माय स्ट्रिंग वर्ड्स इक्वल टू माय स्ट्रिंग डॉट स्प्लिट, यहाँ पे मैं अभी क्या डालूंगा, हाइफन डालूंगा क्योंकि मैं हाइफन से वर्ड सेपरेट करना चाहता हूँ। तो इसको मैं एग्जीक्यूट करूंगा एंड यहाँ पे मैं करूंगा प्रिंट माय स्ट्रिंग वर्ड्स, तो हेलो आई एम पार्क मेकिंग दिस वीडियो, ये सारे वर्ड सेपरेट होके मिल गए हमें, ये एक लिस्ट के फॉर्म में मिल गए। लिस्ट क्या होता है वो हम देखेंगे, अभी के लिए आप इसे याद रखिए कि हम इसे सेपरेट कर सकते हैं। देखिए इस कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज हमें मिल गई इसकी, ठीक है। अभी हम अगले टॉपिक पे आते हैं, स्ट्रिंग मेथड्स। वैसे ये जो हमने किया है इसी को हम स्ट्रिंग मेथड्स बोलेंगे, तो मैं इसको यहाँ पे डेल, ठीक है, ये स्लाइसिंग यहाँ पे मैंने खत्म किया है। टाइटल से मैंने आपको स्ट्रिंग मेथड्स बताया है, सो टाइटल के बाद ओके ये रहा इसको, ये हमारे सारे हो गए स्ट्रिंग मेथड्स, टाइटल हो गया, अपर हो गया। मैं चाहता हूँ आप खुद से और ज़्यादा स्ट्रिंग मेथड्स एक्सप्लोर कीजिए। कैसे एक्सप्लोर करना है, स्ट्रिंग कोई भी डिफाइन कीजिए फिर उसको, उसके बाद डॉट लगा के टैब दबाइए, आपको सारे मेथड्स मिल जाएंगे। और कौन सी मेथड क्या करती है वो भी मैंने आपको बता दिया है। तो अभी हम आएंगे ऑपरेशंस ऑन स्ट्रिंग। ऑपरेशंस मतलब दो स्ट्रिंग को अगर अपन, हाँ, यहाँ पे क्या करेंगे, स्ट्रिंग वन इक्वल्स टू माय नेम इज एंड मैं रखूंगा स्ट्रिंग टू इक्वल्स टू, ठीक है। अगर मुझे ये दो स्ट्रिंग को जोड़ना है तो मुझे क्या करना होगा, स्ट्रिंग इक्वल्स टू स्ट्रिंग वन प्लस स्ट्रिंग टू, इससे क्या होगा, अभी मैं इसको प्रिंट स्ट्रिंग करूंगा तो माय नेम इज पार्क ये जोड़ के मुझे मिल जाएगा। बहुत ही आसान है, बहुत ही ब्यूटीफुल है, बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस से ज़्यादा आसान है इस पाइथन में स्ट्रिंग को कॉन्केटिनेट करना। इसे हम कहते हैं कॉन्केटिनेशन ऑफ स्ट्रिंग, कॉन्केटिनेशन मतलब जोड़ना, तो कॉन्केटिनेट ऐसे होता है स्ट्रिंग का। स्लाइसिंग हमने देख लिया था पहले, अभी मैं मल्टीप्लीकेशन ऑफ स्ट्रिंग बोलता हूँ। स्ट्रिंग वन स्ट्रिंग टू लेता हूँ, स्ट्रिंग टू प्रिंट स्ट्रिंग टू, और मल्टीप्लाइड बाय अगर मैं कोई इंटीजर दू, मतलब पॉइंट वाइंट में नहीं सिर्फ इंटीजर दू, 3 1 2 3 4, तो मुझे ये 3 बार स्ट्रिंग रिपीट होके मिल जाएगी। देखिए पार्थ पार्थ पार्थ, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय अगर मैं 10 करता हूँ तो मुझे 10 बार मिल जाएगी। तो ये काफी आसान सी चीज होती है, रिपीटेटिव टेक्स्ट आपको अगर करना होगा तो। सो ये हो गया हमारा मल्टीप्लीकेशन, ये मैं आपको रहने देता हूँ, स्ट्रिंग टू, ठीक है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कॉन्केटिनेशन में ही, अगर मेरा कोई नंबर है तो, ठीक है, स्ट्रिंग वन इज इक्वल टू माय एज इज स्पेस स्ट्रिंग, स्ट्रिंग नहीं मैं एज लिखता हूँ यहाँ पे, एज इज इक्वल टू 34, ठीक है। तो मैं क्या ये कर पाऊंगा क्या, प्रिंट स्ट्रिंग वन प्लस एज, तो देखिए मुझे एरर आता है कि ये एक आप स्ट्रिंग में इंटीजर ऐड कर रहे हो, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, टाइप कास्टिंग करनी पड़ेगी जैसा कि मैंने आपको
बताया था, हम इसे टाइप कास्ट कर देंगे एज को, कि एज बाई स्ट्रिंग मिले एंड फिर ऐड करना। अब ये सही हो गया। तो ये चीज़ क्या करती है, एज को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करती है। ये हमारा यहाँ पे इंटीजर है तो उसे स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके एज में डाल के यहाँ पे डालती है। ठीक है, ये हो गई हमारे स्ट्रिंग्स की चीज़ें। अभी हम आएंगे लिस्ट पे। तो अभी हम लिस्ट देखेंगे। मैं आपको इसके सारे एक्सरसाइजेस एक साथ ही दे दूंगा, अलग से एक फाइल में बना के, जिससे आपको वो प्रैक्टिस करने में आसानी होगी। अभी हम बिना टाइम वेस्ट करे सारी चीज़ें एक बार सीख लेते हैं। ठीक है, तो लिस्ट में काफ़ी सारी मेथड्स होती है, वो मेथड्स मैं आपको अभी बताता हूँ। पहले आपको लिस्ट क्या होता है वो बताऊँगा। तो हमारी लिस्ट ये होती है कि हमारी एक लिस्ट एक सीक्वेंस होती है, ऑर्डर्ड सीक्वेंस बोलेंगे उसे। एंड उसके हमारे कुछ इंडेक्सेस होते हैं कि लिस्ट में हमारे पहले नंबर पे क्या है, दूसरे नंबर, जीरोथ इंडेक्स पे क्या है, फर्स्ट इंडेक्स पे क्या है। वैसा अगर आपको बहुत सारी चीज़ें एक ही कंटेनर में स्टोर करनी है, मतलब एक प्रकार की चीज़ें हो गई, जैसे नंबर्स हो गए, कुछ प्राइजेस, स्टॉक प्राइजेस लेते हैं, स्टॉक प्राइजेस आपको स्टोर करनी है लिस्ट में। तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। माई लिस्ट इज इक्वल टू, लिस्ट को हम स्क्वायर ब्रैकेट से डिनोट करते हैं। लिस्ट में मैं कुछ भी स्टोर कर सकता हूँ, 23, 45, 67.5, या फिर मैं कुछ स्ट्रिंग भी स्टोर कर सकता हूँ साथ में। ठीक है, या फिर उसके साथ ही मैं ये भी कर सकता हूँ स्टोर ट्रू ट्रू, बुलियन वैल्यू भी, इसे मैं लिस्ट बोलूंगा। अभी मेरे को मेरी लिस्ट प्रिंट करनी है तो सीधा प्रिंट माय लिस्ट, तो मुझे पूरी लिस्ट प्रिंट होके मिल गई। ठीक है, अगर मुझे देखना है, मुझे सिर्फ ऐसे चीजें लिस्ट से प्रिंट करनी है कि जो कि स्ट्रिंग टाइप की है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं फॉर लूप का यूज करूंगा और लिस्ट में सारे आइटम्स क्या क्या है वो देखूंगा। फॉर आइटम्स इन माई लिस्ट, फॉर इन लूप जो मैंने आपको बताया था उसी का यूज करूंगा। इफ टाइप आइटम्स फॉर आइटम इन माई लिस्ट, आइटम्स नहीं, आइटम इन माई लिस्ट, टाइप आइटम इक्वल इक्वल str। ठीक है, इसे मैं ऐसे लिखता हूँ। ठीक है, देन प्रिंट आइटम। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ आया नहीं है, इसे मैं ऐसे करके देखता हूँ तो हाँ। सो यहाँ पे मैंने क्या किया है, मैं ये पूरी लिस्ट में मैंने फॉर लूप लगाया कि मेरे सारे जो आइटम्स है ना लिस्ट में, इसके ऊपर तुम आइटरेट करो और जो जिसका भी टाइप str मिले उसी को प्रिंट करो। यहाँ पे आप देखेंगे सिर्फ इसका, ये जो है इस आइटम का टाइप है वो है str, तो वही आइटम प्रिंट हो गया है, बाकी आइटम प्रिंट नहीं हुए। अगर मैं यहाँ पे करता हूँ इंट, ध्यान दीजिए इंट कर रहा हूँ, तो मुझे क्या प्रिंट आना चाहिए, सिर्फ 23 और 45, 67.5 हमारा फ्लोट है। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं इंट की जगह बूलियन करता हूँ बूल, तो मुझे सिर्फ ट्रू प्रिंट हो गया है। ठीक है, तो एंड अगर मैं माय लिस्ट करूं, इसका मैं जीरो इंडेक्स देखूं, तो हमें लिस्ट का पहला आइटम मिलेगा, है ना। सिमिलरली माय लिस्ट जैसे हमने स्ट्रिंग पे देखा था, -1 करूं तो मुझे लास्ट आइटम मिलेगा लिस्ट का। सिमिलरली लिस्ट को हम स्लाइस भी कर सकते हैं, अगर मैं इसमें कितने आइटम्स है, अगर मैं जीरोथ आइटम नहीं, चलो थ्री थर्ड आइटम से लेके फिफ्थ आइटम, मतलब थर्ड और फोर्थ आइटम ही आएंगे प्रिंट होंगे, मतलब 67.5 और पार्थ करके प्रिंट आएगा। ठीक है, ओके, मेरी गलती हो गई, थर्ड आइटम मतलब ये प्रिंट होगा, ये जीरो हो गया, 1 2 3 4, तो जीरोथ थर्ड और फोर्थ ही प्रिंट हुए हैं मेरे, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते। ये हमारा एक्सक्लूसिव होता है, 5 कभी प्रिंट नहीं होता है। तो अगर मैं इसे और अच्छे से आपको दिखाऊं, इसको मैं सेकंड और फोर्थ करता हूँ, तो मुझे 67.5 और पार्थ ही प्रिंट होके मिलेगा।
ठीक है। ऑल्सो मैं अगर लेंथ देखना चाहूँ, एलियन टाइप करूंगा माई लिस्ट, तो मुझे 5 आइटम्स है मेरी लिस्ट में, ये बोलेंगे कि 1, 2, 3, 4, जैसा कि हमने यहाँ पे देखा था ये वाले एग्जांपल में वर्ड्स, ये भी हमारा एक लिस्ट ही है ना, जैसा कि करली ब्रैकेट्स में प्रिंट, करली ब्रैकेट्स बोलो, स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर वैल्यूज है, इंडेक्स करके वैल्यूज है, तो ये हमारी लिस्ट होगी। अभी हम लिस्ट पे क्या क्या मेथड्स यूज करते हैं, लिस्ट पे हम क्या क्या मेथड्स यूज करते हैं वो देखेंगे। लिस्ट में हम बेसिकली बहुत सारे मेथड्स नहीं होते, और वी कैन यूज अपेंड, एक मेथड होती है हमारा होता है, और इंसर्ट, ये मैं आपको मेन मेथड्स बता दे रहा हूँ, आप और मेथड्स, इससे ज्यादा तो मेथड्स आपको यूज कभी नहीं आएंगे। पॉप करके एक मेथड होता है, रिमूव करके एक मेथड होता है, रिवर्स होता है क्या पाइथन में, हाँ ठीक है, रिवर्स करके एक मेथड होता है, ठीक है, और सॉर्ट करके होता है, और एक्सटेंड करके एक मेथड, ये सारे मेथड्स अभी हम देखेंगे। अपेंड मतलब जोड़ना। अभी देखिए, मैं अभी यहाँ पे मैं माई लिस्ट करता हूँ, तैयार नहीं, नंबर्स की लिस्ट करता हूँ कुछ, ठीक है, ठीक है, ये मेरी नंबर्स की लिस्ट है, ठीक है। अभी मुझे इस नंबर्स की लिस्ट में, अभी इस नंबर्स की लिस्ट में मुझे 6 ऐड करना है, ठीक है, 6 ऐड करना है पीछे, पीछे से 13 के बाद मुझे 6 ऐड करना है, तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ जाके एडिट भी कर सकता हूँ, लेकिन अगर मुझे एक्सेसिबल नहीं है लिस्ट तो मुझे ऐसे करना पड़ेगा, अपेंड 6। अभी मैं प्रिंट करूंगा तो मुझे 6 ऐड करके मिल जाएगा। सिमिलरली अगर मुझे इंसर्ट करना है, ये हो गया हमारा अपेंड ऑपरेशन, ठीक है, अगर मुझे इंसर्ट करना है, इंसर्ट में क्या होता है कि मुझे अगर ये 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, अभी ये यहाँ पे हो गया 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, अगर मुझे सेकेंड प्लेस पे 17 चाहिए, ठीक है, मतलब मुझे ऐसी लिस्ट चाहिए, अभी 45, 23, 17, 54, 1, 7, 34, 13, 6, ऐसी लिस्ट चाहिए मुझे, तो मैं क्या करूँगा, मुझे सेकेंड प्लेस पे 0, 1, 2, 54 के इधर पहले मुझे 17 चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, माई लिस्ट डॉट इंसर्ट करूंगा, और यहाँ पे ये डालूंगा, ठीक है, सेकेंड प्लेस पे भाई डालो 17। अभी मैं प्रिंट लाऊंगा माई लिस्ट, तो देखिए यहाँ पे 17 ऐड हो चुका है, ठीक है, मैं लिस्ट के अभी लेंथ देखूँ तो 9 एलिमेंट्स अभी है हमारे पास लिस्ट में। अभी मैं पॉप आपको बताता हूँ, पॉप मतलब डिलीटेड एलिमेंट, ठीक, उससे अच्छा मैं डी रखता हूँ, और मैं अभी लिखता हूँ माई लिस्ट डॉट पॉप, और ऐसे दो इन राउंड ब्रैकेट देता हूँ, एंड इसके बाद देता हूँ प्रिंट डी, तो मुझे 6 आया, तो मैं पॉप हुआ, क्या हुआ, लास्ट में जो भी एलिमेंट होता है ना वो पॉप होके मुझे मिल जाता है, और हमारी लिस्ट लिस्ट में से भी वो निकल जाता है, देखिए 6 निकल गया है ना, डिलीट हो जाता है एंड का एलिमेंट। अगर मैं पॉप करूं डी इक्वल टू माई लिस्ट डॉट पॉप, यहाँ पे मैं इंडेक्स दू कोई 2, एंड प्रिंट डी, सेकेंड इंडेक्स पे 0, 1, 2, 17 है, 17 हट जाएगा, एंड डी की जगह पे डी पे 17 आ जाएगा, और डी प्रिंट हमारा 17 हो जाएगा। एंड अगर हम प्रिंट माई लिस्ट करेंगे तो हमारा 17 हमारी लिस्ट से हट गया, ओरिजिनल लिस्ट पे हम वापस से आ गए। हमारा अगला कमांड होगा लिस्ट, रिवर्स लिस्ट का, तो रिवर्स लिस्ट मतलब 13 से चालू होगा, 45 पे एंड करेगा, तो मैं डायरेक्ट आपको उसको दिखा देता हूँ,
प्रिंट माय लिस्ट डॉट रिवर्स। अच्छा, मैं एक गलती कर दिया, ये गलती काफ़ी होती है। रिवर्स और ये दो राउंड ब्रैकेट देने होते हैं, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड। तो यहाँ पे ये गलती हुई कि मेरी लिस्ट एक फंक्शन बन गई है, तो मुझे वापस से लिस्ट को डिफाइन करना पड़ेगा। ये सारे जो ऑपरेशंस है हमें वापस से करने पड़ेंगे, एंड ठीक है, एंड ये मुझे डिलीट करना है, ठीक है। प्रिंट माय लिस्ट डॉट रिवर्स। तो यहाँ पे मैं करूँगा, ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, ये देखिए लिस्ट मेरी रिवर्स होके आ गई। तो मुझे ये नहीं करना था, ये वापस से आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे होता क्या है कि हमारी लिस्ट अपेंड हो जाती है बाद में। तो ये हमारी ओरिजिनल लिस्ट है, ठीक है, 45 से चालू हो रही, 13 से खत्म हो रही है। इसको अगर मुझे रिवर्स करना है तो 13 से चालू होगी और 45 पे खत्म होगी। तो मैं माय लिस्ट डॉट रिवर्स करूंगा, एंड इसके बाद मैं प्रिंट माय लिस्ट करूंगा, तो मुझे 13 से चालू होके 45 पे एंड होते हुए मिल रही है। अगर मैं माय लिस्ट डॉट सॉर्ट करूं तो क्या होगा, माय लिस्ट, तो मुझे ये सॉर्टेड ऑर्डर में मिल जाएंगे, मतलब असेंडिंग ऑर्डर में मुझे मिल जाएंगे। अगर मैं यहाँ पे रिवर्स इक्वल टू ट्रू कर दूं, अच्छा, तो इसे मैं ऐसे करता हूँ, माय लिस्ट डॉट रिवर्स एंड प्रिंट माय लिस्ट। तो यहाँ पे मैंने डिसेंडिंग ऑर्डर मेरी लिस्ट की कर दी है, मतलब असेंडिंग का रिवर्स ही हमारा डिसेंडिंग हो जाएगा। तो ये सारी हमारी मेथड्स होगी। हमारा एक और चीज़ हो गया, एक्सटेंड क्या होता है लिस्ट का, ठीक है। माय लिस्ट अगर मैं देखूँ तो मेरी ये है, अगर मुझे कुछ चीज़ें ऐड करनी है लिस्ट में, अपेंड करनी है, समझिए मुझे एक मेरी माय लिस्ट टू है जिसमें कि देर इट 2, 3, 5, 8, 89, ठीक है, ये चीज़ें हैं, मुझे ये लिस्ट में अपेंड करनी है एक एक चीज़ में, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, माय लिस्ट डॉट अपेंड माय लिस्ट टू। तो अगर मैं प्रिंट माय लिस्ट करूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पूरी की पूरी लिस्ट मेरी अपेंड हो गई है, मतलब एक एक एलिमेंट अपेंड नहीं पाए, पूरी की पूरी लिस्ट अपेंड हो गई है। अगर तो मुझे एक एक एलिमेंट अगर अपेंड करना है तो मैं क्या करूँगा, माय लिस्ट डॉट पॉप करूँगा, पहले वो एलिमेंट हटाऊँगा, ठीक है। फिर मैं क्या करूँगा, माय लिस्ट डॉट एक्सटेंड माय लिस्ट टू, इसको करूंगा अभी मैं प्रिंट माय लिस्ट। तो देखिए 2, 3, 5 और 89 मेरे एक एक करके एलिमेंट यहाँ पे ऐड हो गए। तो ये हमारा एक्सटेंड मेथड होता है लिस्ट पे, ठीक है। अभी हम बात करेंगे लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन पे, लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन क्या होता है। तो यहाँ पे मैं इसे मार्क डाउन करता हूँ, कॉम्प्रिहेंशन। तो समझिए हमारी लिस्ट है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है, यह हमारी लिस्ट है, ठीक है। मुझे क्या करना है, एक लिस्ट टू बनानी है जो कि लिस्ट वन के एलिमेंट्स की स्क्वायर हो, ठीक है। तो उसे मैं एक बनाने का तरीका बताता हूँ। लिस्ट टू को मैं एक एम्प्टी लिस्ट बोलूंगा, ये बोलते हैं हम इसे एम्प्टी लिस्ट, इसमें कुछ नहीं है, ठीक है। एंड मैं करूंगा फॉर आइटम
आइटम लिख सकते हैं, आप कुछ भी लिखते हैं, एलिमेंट इन लिस्ट वन, ठीक है, लिस्ट टू डॉट अपेंड एलिमेंट स्टार स्टार टू, एलिमेंट की पावर टू। अभी मैं प्रिंट लिस्ट टू करूंगा तो मुझे सबके स्क्वेयर्स की एक लिस्ट मिल गई है। ये मैंने एक फॉर लूप चला के की है, लेकिन इसका एक और तरीका होगा। लिस्ट टू इज इक्वल टू ईएलई स्क्वेयर फॉर ईएलई इन लिस्ट वन। ऑलराइट, अभी मैं प्रिंट लिस्ट टू करता हूँ तो मुझे वही मिलेगा, ठीक है। लिस्ट थ्री करके बताता हूँ आपको, लिस्ट थ्री इज इक्वल टू ELE star star 3 for ELE in list 1। तो मैं print list 3 करता हूं तो मुझे सबके क्यूब्स मिल गए अभी, क्योंकि यहाँ पे मैंने 3 लगाया। तो ये भी एक तरीका होता है, इसे हम लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन बोलते हैं, ठीक है। लिस्ट के लिए आपको शायद इतना ही काम में आएगा, बस आप लिस्ट को कैसे आइट्रेट करते हैं वो आप फॉर इन लूप से आइट्रेट करते हैं, ये आपको आना चाहिए, काफी इंपॉर्टेंट है। आपको मैं एक्सरसाइज दूंगा जिसमें आप बहुत सारी चीजें प्रैक्टिस कर सकते हैं। अभी हम अगले डाटा स्ट्रक्चर पे हम बढ़ते हैं तुरंत। अभी वैसे टाइम बहुत हो गया है, तो अगले डाटा स्ट्रक्चर हमारा होगा टप्पल्स, सेट्स और डिक्शनरी जो रहे हैं हमारे, वो हम नेक्स्ट वीडियो में तुरंत देखेंगे। अभी के लिए आप इस पे थोड़ा काम कीजिए, इस पे थोड़ा सोच विचार कीजिए। ये जो मैंने चीज़ें दी है वो आज के दिन आप रिवाइज कीजिए, इसे अपनी नज़र के नीचे से एक बार उतारिए, इसे प्रैक्टिस करके देखिए। ये जो मैंने आपको एक्सप्लोर करने को बताया है कि क्या क्या मेथड्स है स्ट्रिंग के, लिस्ट के, लिस्ट के भी बहुत सारे मेथड्स है अगर मैं आपको दिखाऊँ तो। अगर यहाँ पे आप देखेंगे लिस्ट थ्री देखते हैं, लिस्ट थ्री, ठीक है, डॉट करूंगा, टैब दबाऊंगा, देखिए बहुत सारे आपको मेथड्स मिलेंगे। मैंने मोस्ट ऑफ द मेथड्स कवर कर दी है आपके, आप बाकी के कॉपी काउंट ये आप देख सकते हैं कि खुद से देख सकते हैं ये क्या करते हैं, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। इसका पार्ट टू होगा नेक्स्ट वीडियो डाटा स्ट्रक्चर्स का, जिसमें हम देखेंगे टपल्स, सेट्स एंड डिक्शनरी। डिक्शनरी काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से, ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से आपको अच्छे से खासे एग्जांपल लेके मैं आपको बताऊंगा टपल्स, डिक्शनरी, टपल्स भी हमारे काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।